Hello everyone, my name is Akshat Arya and I'm a third year medical student, and in this video we are going to talk about the pharmacology, and now we are going to start a pharmacological series. So in this pharmacology series we are going to cover all the chapters of pharmacology, and this series is exclusively in Hindi and English, so you can understand it better. So let's start our first topic, which is respiratory drug. So respiratory drug kya hoti hai? So respiratory drugs mein hum drugs jo hote hain cough aur bronchial asthma ke liye dete hain. To sabse pehle agar hum cough ke liye baat kare to cough bhi do tarike ka hota hai, dry cough aur productive cough. Dry cough नॉन प्रोडक्टिव कफ भी बोलते हैं. तो ड्राई कफ का बेसिकली कोई रोल नहीं होता है, लेकिन होता तो है ही, लेकिन प्रोडक्टिव कफ का रोल होता है कि ये एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है, मतलब बाहर निकालने में हेल्प करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस, एंड जैसे पैथोजन और या कुछ भी एंटर करता है बॉडी के अंदर स्प्यूटम को जो प्रोड्यूस होता है, सो दैट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम शुड गेट क्लीन. तो सबसे पहले अगर बात करें ड्राई कफ के मेडिसिन की, तो ड्राई कफ के अंदर हम सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आती है वो एंटीटूसिप्स की आती है. तो एंटीटूसिप्स क्या करते हैं, एंटीटूसिप्स का रोल होता है कि उस ड्राई कफ को जो नॉन प्रोडक्टिव है, जिसका कोई काम नहीं है, उसको रोक दे. तो उसके लिए हमारे ब्रेन के अंदर जो कफ सेंटर होता है ब्रेन का, ब्रेन के अंदर उसको ब्लॉक करने के लिए होती है दवाई. तो इसके अंदर सबसे पहले जो मेडिसिन आती है वो होती है कोडीन. तो कोडीन, फोलकोडीन, डेक्सामेथासोन एंड नॉस्कोपीन. तो ये हो गई ड्राई कफ के बारे में. अगर हम लोग बात करें प्रोडक्टिव कफ, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये मेन दवाई है. तो इसके अंदर हम दो तरीके की दवाई देते हैं, जिनको हम लोग ग्लूकोपेनिटिक्स ड्रग बोलते हैं. तो बेसिकली कफ का क्या होता है, हम लोग या तो कफ की सिक्रीशन को बढ़ा सकते हैं ताकि वो इजीली एक्सपेल्ड आउट हो सके, या फिर हम उसको लिक्विफाई करके लिक्विफाई कर सकते हैं, मतलब तोड़ सके. तो सबसे पहले अगर बात करें कि जो मतलब कफ की सिक्रीशंस को बढ़ा दे, तो उसके लिए हम लोग देते हैं सबसे पहले जो मेन दवाई है ग्वाफिनेसन एंड पोटेशियम आयोडाइड. तो अगर केडी ट्रिबाटी को आप फॉलो करते हैं तो उसके अंदर थोड़ी बहुत और भी मेडिसिंस दे रखी हैं. तो जैसे कि सबसे पहले अगर बात करूं तो पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम सिट्रेट एंड अमोनियम सिट्रेट. सो दीज आर द ड्रग्स विच आर कमिंग इन एक्सपेक्टोरेंट्स विच इंक्रीज द सिक्रीशंस एंड इजली वी कैन इजली एक्सपेल्ड द आवर स्प्यूटम आउट. सो नेक्स्ट ड्रग इज म्यूकोकाइनेटिक्स विच ब्रेक्स द बॉन्ड्स बिटवीन द स्प्यूटम सो दैट इट गेट एक्सपेल्ड इजली. सो इसमें हम चार दवाइयाँ देते हैं. सबसे पहली जो दवाई है उसका नाम है एमरोक्सोल, दूसरी ब्रोमैक्सिन, तीसरी एसिटाइलसिस्टीन और चौथी है डॉर्मेट अल्फा. ये चार दवाई हम देते हैं म्यूकोलिटिक, जो कि कफ के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं उसको तोड़ के हम इजली एक्सपेल्ड आउट कर सकें. तो अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, जो कि है ब्रोंकियल एस्थमा. तो ब्रोंकियल एस्थमा जो होता है, ये सबसे पहले तो इसकी हम पैथोलॉजी समझें, तो ये बेसिकली टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है जो कि होती है. इसमें होता क्या है कि हमारे जो मास सेल होते हैं बॉडी के अंदर, मास सेल के ऊपर हमारी जब भी कोई एंटर पैथोजन एंटर करते हैं तो हमारे उस पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं, और वो एंटीबॉडीज जो होती है वो मास सेल पर जाकर चिपक जाती है. तो जब फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होता है तो उससे कोई उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेकंड टाइम जब एक्सपोजर होता है तो सेकंड टाइम अगर कोई एंटीजन आता है तो पहले से जो एंटीबॉडी बनी हुई है वो उस इम्यून एंटीबॉडी बनी हुई है उसके साथ एंटीजन अटैच हो जाता है, और जिससे कि क्या होता है कि जो मास सेल है उसका डीग्रेनुलेशन हो जाता है, और डीग्रेनुलेशन होने से जो उसके अंदर मीडिएटर्स होते हैं जैसे हिस्टामिन, सीरोटोनिन और ल्यूकोट्राइन्स वगैरह, ये रिलीज आउट हो जाते हैं जो कि फर्दर अस्थमा करते हैं. तो सबसे पहले अगर बात करें बेसिकली होता क्या है कि जब भी वो जब मास सेल का डीग्रेनुलेशन होता है जो उसमें से मीडिएटर्स निकलते हैं वो ब्रोंकस के ऊपर जाकर उसकी कंस्ट्रिक्शन करा देते हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है. तो इसकी अगर हम लोग दवाइयों की बात करें तो मेनली इसके मैकेनिज्म्स हैं, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो एंटीजन आया है वो एंटीबॉडी के साथ अटैच ना हो पाए, ठीक है ना. दूसरा हम कर सकते हैं कि या तो हम लोग ब्रोंक को डायलेटर्स दे सकते हैं ताकि ब्रोंकस जो कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है वो डायलेट हो जाए और जिससे हमारे सिम्टम्स जो है हट पाए. तो तीसरी चीज़ हम दे सकते हैं जो बेसिकली मेन जो इसमें काम करता है वो होती है ल्यूकोट्राइन. इसमें हिस्टामिन का ज़्यादा रोल नहीं होता है, बेसिकली सबको पता है कि मास सेल हिस्टामिन का रिच सोर्स है, लेकिन इसमें ब्रोंक को कॉन्स्ट्रिक्शन करने का मेन रोल करता है ल्यूकोट्राइन. तो हम लोग दवाई दे सकते हैं जो इनहिबिट करे ल्यूकोट्राइन को, या फिर हम लोग इनहिबिट कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया कि एंटीजन और एंटीबॉडी की अट्रैक्शन को. तो और या फिर हम लोग जो मास सेल है उसकी जो मतलब उसको जो है थोड़ा सा पावरफुल बना दें ताकि वो ईजिली डिग्रेनुलेट ना हो पाए. तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स की. तो ब्रोंकोडायलेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, जब हम सिंपैथेटिक सिस्टम में पढ़ के आए हैं कि ब्रोंकोडायलेशन हम लोग या तो कर सकते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट देकर के जो सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करके जिससे ब्रोंकोडायलेशन हो जाए, या फिर जो फार्मक को पैरासिंपैथेटिक सिस्टम है उसको इनहिबिट करें. पैरासिंपैथेटिक सिस्टम का मेनली फंक्शन क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्शन कंस्ट्रिक्शन में हेल्प करता है, तो हम या तो उसको ब्लॉक कर दें तो उससे ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगी. तो जो पैरासिंपैथेटिक सिस्टम में रिसेप्टर होता है ब्रोंकस के ऊपर वो M3 रिसेप्टर होता है, तो हम M3 ब्लॉकर ड्रग्स देते हैं. और जो सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर जो रिसेप्टर होता है ब्रोंकस के ऊपर जो डायलेट करता है वो होता है बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट के बारे में. बीटा 2 एगोनिस्ट में हम चार तरीके की दवाई पड़ती हैं, जो कि है साल्बुटामोल, टर्बिटलिन, सालमेट्रोल और फॉर्मेट्रोल.
अराउंड, ये चार दवाइयाँ हैं जो बीटा टू एगोनिस्ट की तरह असर करती हैं और ये हम लोग इनहेलेशनल रूट के थ्रू देते हैं। तो अगर हम लोग बात करें सालबुटामोल और टर्बुटालिन की, तो ये जो दवाइयाँ हैं ये शॉर्ट एक्टिंग दवाइयाँ हैं, तो ये बहुत कम समय के लिए असर करती हैं लेकिन बहुत फास्ट एक्टिंग है क्योंकि बहुत जल्दी असर करना स्टार्ट कर देती है। और सालबुटामोल को एक पॉइंट याद रखना कि इसको एल्बिट्रॉल भी बोलते हैं। और जो बची हुई दो दवाइयाँ सालमेट्रोल और फॉर्मेट्रोल है, ये दोनों दवाइयाँ जो होती हैं लॉन्ग एक्टिंग होती हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि फॉर्मेट्रोल जो दवाई है ये फास्ट एक्टिंग दवाई है। तो अगर हम लोग बात करें कि जो दो दवाई हैं सालबुटामोल और टर्बुटालिन, ये फास्ट एक्टिंग है और शॉर्ट एक्टिंग है, तो शॉर्ट एक्टिंग से तो हमें इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन फास्ट एक्टिंग दवाई है तो इसको हम लोग अस्थमा अटैक के अंदर देते हैं ताकि जल्दी इसका असर हो सके और पेशेंट को बचाया जा सके। और लेकिन इन दोनों दवाइयों को हम प्रोफाइलेक्सिस में नहीं देते हैं, प्रोफाइलेक्सिस में हम लोग देते हैं लॉन्ग एक्टिंग दवाइयाँ, ताकि क्योंकि अगर शॉर्ट एक्टिंग दवाई हम प्रोफाइलेक्सिस में देंगे तो हर इसका शॉर्ट एक्टिंग है तो बार बार इसका असर खत्म हो जाएगा, तो क्या बार बार देते रहेंगे, इसलिए हम लोग देते हैं सालमेट्रोल और फॉर्मेट्रोल, और ये स्लो एक्टिंग दवाइयाँ हैं लेकिन हम इसको प्रोफाइलेक्सिस में देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इनकी साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफेक्ट के लिए आपको सिर्फ याद रखना है 40 मतलब जब ये दवाइयाँ देते हैं तो इनकी वजह से जो साइड इफेक्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स आते हैं, सबसे पहले ट्रेमर्स, ठीक है, दूसरा है टैकीकार्डिया हो जाता है, और लेकिन ये जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं सिर्फ ओवरडोज में आते हैं, और तीसरा है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि जब लॉन्ग एक्टिंग दवाइयाँ देते हैं तो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो थोड़े टाइम बाद काम करना बंद कर देते हैं, उसी को हम टॉलरेंस बोलते हैं। और तीसरा है इसका टी वेव में चेंजेज आते हैं ECG में जो कि शो होता है, ठीक है ना, और इसका जो कारण होता है वो हाइपोकैलेमिया होता है। तो ये हो गया हमारा बीटा टू एगोनिस्ट के बारे में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अनदर टाइप ऑफ ड्रग व्हिच इज M3 ब्लॉकर्स। सो M3 ब्लॉकर्स क्या होते हैं? M3 ब्लॉकर्स जो पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम को हम ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से ब्रोंकोडायलेशन हो जाती है। इन दवाइयों को हम इनहेलेशनल रूट से देते हैं, और ये वाली जो दवाई होती है ये जो होती है ड्रग ऑफ चॉइस होती है उन पेशेंट्स के अंदर जो बीटा ब्लॉकर थेरेपी के ले रहे होते हैं। तो इसमें दो तरीके की दवाई देते हैं, जो सबसे पहली दवाई है इपराट्रोपियम और टायरट्रोपियम, इनके नाम को याद रखना है आपको, इपराट्रोपियम और टायरट्रोपियम। तो अब हम तीसरी, तो हम लोग एक और तरीके की ड्रग्स के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन उस ड्रग को पढ़ने से पहले हम लोग एक मैकेनिज्म को समझते हैं सबसे पहले। तो उस मैकेनिज्म को समझने के लिए सपोज करो एक सेल है, सेल के ऊपर बीटा रिसेप्टर लगा हुआ है, तो जब भी बीटा रिसेप्टर को हम स्टिमुलेट करेंगे तो हम सबको पता है कि बीटा रिसेप्टर जो होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है, तो जब भी हम लोग बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे तो ये जी प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, जी प्रोटीन के ऊपर एक्ट करके CMP के रिलीज को स्टिमुलेट करता है, और CMP का फर्दर जो फंक्शन होता है वो ब्रोंकोडायलेशन का काम करता है। तो अब हम लोग बात करते हैं CMP की। तो CMP जो होता है, CMP एक तरीके की एक तरीके का हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम होता है जिसकी वजह से CMP टूटता है। और अब हम लोग ऐसी दवाई दे सकते हैं जो कि इस जो एंजाइम है जिसका नाम है फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम, जो CMP को तोड़ता है, हम इसको ब्लॉक कर दें तो ताकि जो CMP का लेवल है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाए। तो उसके लिए हम जो दवाई देते हैं उसका नाम है थियोफाइलिन, और दूसरी जो दवाई है अमीनोफाइलिन। अब बात करते हैं कि स्पेशल तरीके की दवाई, तो उसको समझने के दवाई को पढ़ने से पहले एक मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। हमारी सपोज करो एक बॉडी का सेल है, बॉडी के सेल के ऊपर बीटा रिसेप्टर लगा हुआ है, अब जब भी हम बीटा एगोनिस्ट देंगे तो वो बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी, और हम सबको पता है कि बीटा रिसेप्टर जो होता है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है, तो जब भी हम बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा और वहाँ से CMP की रिलीज को इंक्रीज करेगा। तो जो CMP का फर्दर फंक्शन होता है वो ब्रोंकोडायलेशन में हेल्प करता है। तो नाउ अब एक पॉइंट समझते हैं कि जो CMP निकला है वो जो बॉडी के अंदर होता है वो टूटता है CMP विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम फॉस्फोडाइस्ट्रेस। तो हम एक ऐसी तरीके की दवाई देते हैं जो उस एंजाइम को ही ब्लॉक कर दे जो CMP को तोड़ रहा है, ताकि CMP की जो मात्रा है वो बॉडी के अंदर बढ़ जाए और जिससे कि फर्दर उसका ब्रोंकोडायलेशन कर पाए। तो उसके लिए हम जो सबसे पहली दवाई देते हैं जो फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर होती है उसका नाम है थियोफाइलिन। तो थियोफाइलिन को हम लोग दोनों तरीके से दे सकते हैं, ओरल और इंट्रावीनस तरीके से। नाउ जो थियोफाइलिन है उसने फॉस्फोडाइस्ट्रेस को रोक दिया और जिससे कि CMP का मतलब CMP का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो गया बॉडी के अंदर। नाउ तो CMP होता है वो दो तरीके से एक्ट करता है, ये सबसे पहले तो करेगा ब्लॉक करेगा एडिनोसिन रिसेप्टर्स होते हैं हमारे ब्रोंकस में, उनको ब्लॉक करेगा जिससे कि जो एडिनोसिन रिसेप्टर होते हैं जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहे होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं जिससे ब्रोंको डायलेशन हो जाती है। और दूसरा ये एंटी का जो एडिनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, और एडिनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करने के बाद ये फर्दर ब्रोंको डायलेशन करता है। और इसका दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन बेसिकली कैसे करता है, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एस्टोन डाइएस्टाइल एंजाइम को जो कि हिस्टीन को तोड़ देता है और जिसकी वजह से एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन आता है। तो बात करते हैं जो साइड इफेक्ट्स आते हैं PDE की इनहिबिशन की वजह से, फॉस्फोडाइस्ट्रेस की इनहिबिशन से, वो बेसिकली आते हैं GIT के साइड इफेक्ट्स आते हैं जिससे नोजिया वॉमिटिंग और हो जाती है, और दूसरा जो आता है वो एरिथमियास कर सकती है। और जैसा कि बताया कि जो CMP था वो एडिनोसिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा था, तो उसकी वजह से एडिनोसिन रिसेप्टर के ब्लॉक करने की वजह से जो साइड इफेक्ट्स आते हैं वो होते हैं डायूरेसिस हो सकता है या फिर सीजर्स हो सकते हैं या एरिथमियास। तो अब बात करते हैं एक अलग तरीके की ड्रग्स के बारे में जो कि है ल्यूकोट्राइन्स को इनहिबिट करने का काम करती हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि जो हमारी बॉडी के अंदर मास सेल्स होते हैं उसके अंदर से जो मीडिएटर
ट्रांसमीटर्स निकलते हैं उसमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का मेन रोल जो होता है ल्यूकोट्राइन्स का होता है, इसमें ल्यूकोट्राइन्स का रोल होता है, हिस्टामिन का इतना ज्यादा रोल नहीं होता है। तो इनको पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं कि ल्यूकोट्राइन्स बनता कैसे। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स आर्किडिन के एसिड में चेंज होते हैं जो कि किसकी मदद से, फॉस्फोलाइपेज A2 की मदद से। तो फर्दर जो आर्किडोनिक एसिड होता है वो लिपोक्सिनेज एंजाइम के मदद से ल्यूकोट्राइन्स में बनते हैं और कॉक्स एंजाइम के थ्रू बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। फिर जो ये ल्यूकोट्राइन्स जो बने हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये जो होते हैं ये एक्टिवेट करते हैं रिसेप्टर ब्रोंकस के अंदर होते हैं जिनको हम बोलते हैं सिस्ट ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर, जो कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं फर्दर। तो अब हम लोग इनका मैकेनिज्म समझते हैं। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फॉस्फोलिपिड से आर्किडोनिक एसिड बने हैं हम उनको ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं जो आर्किडोनिक एसिड से ल्यूकोट्राइन्स बने हैं लॉक्स के थ्रू हम लॉक्स को इनहिबिट कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं जो सिस्ट रिसेप्टर पे जो ये ल्यूकोट्राइन्स एक्ट कर रहे हैं हम उन्हें इनहिबिट कर सकते हैं। तो एक एक करके इनकी दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम लोग इनहिबिट करते हैं लॉक्स एंजाइम को। जो उसके लिए लॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए जो सबसे पहली दवाई है वो ज़ाइलोटन। ये आपको याद रखना है कि ज़ाइलोटन जो दवाई है वो लॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से आर्किडोनिक एसिड से ल्यूकोट्राइन्स नहीं बनेंगे। फिर दूसरी दवाई के बारे में हम लोग बात करें अगर, तो दूसरी ड्रग जो है जो कि सिस्टेनाइल रिसेप्टर्स को इनहिबिट करेगी, उसके अंदर हम दो तरीके की दवाई देते हैं, दो तरीके की ड्रग्स, ज़ाफिलुकास्ट और मोंटेलुकास्ट। ठीक है, तो ये दो दवाई हैं जो इनहिबिट करेंगी इन दो रिसेप्टर्स को जो कि रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहे हैं ल्यूकोट्राइन्स के थ्रू। फिर जो तीसरी तरीके की दवाई आती है जो कि फॉस्फोलिपिड से जो आर्किडोनिक एसिड बनता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2 उसी को इनहिबिट कर दे ताकि फर्दर एक्शन ही ना हो पाए और इससे ल्यूकोट्राइन्स ही ना बन पाए। तो उसके लिए हम लोग देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ये सिर्फ जो होते हैं यूज होती हैं सिर्फ प्रिवेंट करने के लिए एस्थमा में, प्रोफाइलेक्सिस के लिए देते हैं। और हम लोग तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं हम दो तरीके से दे सकते हैं, तो इनहेलेशनल रूट से दे सकते हैं या फिर ओरल रूट से दे सकते हैं। तो इनहेलेशनल रूट से देंगे तो इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और या फिर ओरल रूट से देंगे तो ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो बेसिकली ये ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं, लेकिन ये प्रिवेंट करते हैं एस्थमा को, इनको एक्यूट अटैक में नहीं दिया जाता, प्रोफाइलेक्सिस में यूज करते हैं। तो जो स्टेरॉइड का मेन फंक्शन क्या होता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और ये क्या कहते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं, क्योंकि जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो रही थी, जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही थी, उसको इम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं, तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं जिससे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होती है। लेकिन ये ब्रोंको डायलेटर नहीं होते हैं, इसलिए क्या होता है कि इनको हम लोग जो देते हैं एक्यूट अटैक में देना होता है तो इनको हम बीटा 2 एगोनिस्ट के साथ देते हैं। स्टेरॉइड्स में जो दवाइयाँ आती हैं वो हैं बैक्लोमेथासोन, बुडेसोनाइड, फ्लुटिकासोन, फ्लुनिसोनाइड, सिक्लेसोनाइड। तो सिक्लेसोनाइड जो होती है ये एक सॉफ्ट स्टेरॉइड है, ये एक प्रोड्रग है, लेकिन प्रोड्रग मैं आपको आज बताता हूँ कि क्यों हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये एक्टिवेट होती है सिर्फ जब ब्रोंकस में पहुँच जाती है। तो इन दवाई ड्रॉबैक्स क्या है इनका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने का, ड्रॉबैक क्या है कि जब भी हम इनको इनहेलेशनल रूट से देते हैं तो सिर्फ 5% जो ड्रग होती है वो ब्रोंकस तक पहुँच पाती है, और जो 95% जो होती है वो एपिथीलियम पे स्टिक मतलब चिपक जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो 95% ड्रग जो एपिथीलियम पे चिपक गई वो इम्यूनो सप्रेशन कर देती है, और इसकी वजह से मेनली एक साइड इफेक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस, इसकी वजह से होता है इम्यूनो सप्रेशन की वजह से। ठीक है ना, तो अब मैं बात करता हूँ जो मैंने सिक्लेसोनाइड की ड्रग के बारे में जो बात करी थी, तो वो एक प्रोड्रग है जो कि बेसिकली ब्रोंकस में जाकर ही एक्टिवेट होती है, जिसकी वजह से जो 95% जो हमारी ड्रग थी वो जो एपिथीलियम पे स्टिक हो रही थी वो नहीं होती है, इसलिए हम इसको मेनली ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है ना, अकेले कोई ड्रग नहीं है इसमें, बेसिकली क्या होता है कि हमें जब भी ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं उसके बाद हम गार्गलिंग कर लेते हैं हर दवाई के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में खत्म हो गया। अब दूसरी तरीके की दवाई के बारे में बढ़ते हैं जो कि है मास सेल स्टेबलाइजर्स। तो जैसे मैंने बताया था कि या तो हम मास सेल को जो है स्टेबलाइज कर दें, तो उसको स्ट्रॉन्ग बना दें जिससे वो अस्थमा के अटैक से टूटे ना, जब भी कोई एंटीजन अंदर आएगा तो उसकी वजह से वो टूटे नहीं। तो उसके लिए हम लोग देते हैं दो तरीके की दवाई, सोडियम गोमोग्लाइकेट और किटोटफेन। ये दो दवाइयाँ हैं जो कि मास सेल को स्टेबलाइज बना देती हैं ये, लेकिन जो होती है ये हम लोग एक्यूट अटैक में नहीं देते हैं, ये सिर्फ प्रोफाइलेक्सिस में दी जाती है दवाई। ठीक है ना, मतलब कि लॉन्ग टर्म पे दी जाती है ताकि होना अस्थमा का। तो अब तरीके के ड्रग्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि प्रिवेंट करती हैं IgE और एंटीजन के इंटरेक्शन को, उसमें हम लोग देते हैं ओमेलिजुमैब। ठीक है ना, ओमेलिजुमैब देते हैं। ये जो दवाई है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर जाती है और IgE एंटीबॉडी के इंटरेक्शन को रोक देती है। तो ये था हमारा जो टॉपिक फार्माकोलॉजी के लिए, ड्रग्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।